हाई वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम एंड टूडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट दिला जोन इन जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर वी हैव आर गाइड विद दस मिस्टर जोशी जोशी जी हमें पूरा जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में बताएंगे बताइए जोशी जी जिम कॉबिट नैशनल पार्क जो है हमारा एट अगस्त नाइनटीन थर्टी सिक्स में स्टेबल हुआ था तो इसके हमारे जो मेनली हमारे जिम कॉबिड नेशनल पार्क के जो गेट है वो ओनली सिक्स गेट हैं तो इसमें जो हमारे थ्री गेट्स हैं वो इस टाइम पे बंद हैं ओनली थ्री गेट्स इज द ओपन गेट्स हैं जैसे मेन गेट है इसका हमारा जो ढिकाला जोन नवंबर फिफ्टीन से वो ओपन होगा तो उसमें जैसे आप स्टे लेना चाहें तो उसमें स्टे ले सकते हैं वो उसमें वन नाइट कंपलसरी स्टे होती है तो वहाँ पे आप नाइट स्टे भी ले सकते हैं बाकी ढेला एंड झिना एंड गरजा जोन थ्री जोन इस टाइम पे ओपन जोन है अक्टूबर फिफ्टीन से हमारा बिजरानी जोन ओपन होगा तो ओनली फिर टू गेट्स जो हमारे बंद हैं वो फिफ्टीन नवंबर से खुलने शुरू होंगे एंड दुर्गा तो ओनली के शिक्स जब गेट ओपन हो जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ पूरी ओपन स्टार्टिंग होनी शुरू हो जाती है तो कुछ जंगल्स की रोडेज रिवर साइड की वजह से ब्लॉक हुई हुई है तो उसमें हमारे जैसे हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूम रोड मेकर्स बॉयज होते हैं उनको लाया जाता है जंगल के अंदर रोडे बनाई जाती है अच्छे ट्रैक्स बने हुए हैं तो उनकी रोडे उसकी मेंटेनेस होता रहता है उसके बाद उन सफारी बेजिस उसमें स्टे कंपल्सरी होनी शुरू हो जाती है तो आप जिम कॉर्बेट के अंदर जैसे स्टे लेना चाहें तो आप लोग स्टे भी ले सकते हैं और बेसिकली कॉमन वाइल्ड लाइफ सफारी अगर नॉर्मल तरीके से स्टे नहीं मिल रही है तो आप मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दो विजिट भी आप जंगल में दे सकते हैं बाकी जंगल हमारा फॉरेस्ट सारा नेचुरल फॉरेस्ट है इस जिम कॉर्बेट की एरियाज काफी बड़ी बिग एरियाज है ट्वेल्व हंड्रेड एटी एट पॉइंट थर्टी टू स्क्वायर किलोमीटर की एरियाज में जिम कॉर्बेट हमारा नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर फैला हुआ है इसमें जितना भी वाइल्ड लाइफ है सारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ है जैसे पार्क में आप टाइगर कहेंगे टू फिफ्टी प्लस के आसपास टाइगर है लेकिन जंगल्स की एरियाज बढ़ी हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक कैट फैमिली है जंगल्स में अपना एक टेरिटरी बना रही है उस टेरिटरी में अगला मेल टाइगर्स नहीं आ रहा है अगर अगर अगला कैट फैमिली का मेल टाइगस उस टेरिटरी में आना जाए दोनों मेल्स में फाइट होनी है अगर वो फाइट करने लायक है तो वो फाइट करेगा अदर पसंद नहीं करने लायक है तो उस एरियाज को छोड़ देगा इसमें लेडीज पर्सन की एंट्री अलाउड है लेकिन मेल्स जो रहेगा मेंबर सिंगल मेंबर बेसिकल कॉमन वाइल्ड लाइफ मिलेगी आपको डीएस फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड डीएर पार्क के अंदर डीएस में भी यहाँ पे फोर ब्रिड पाई जाती है कॉबिड में लेकिन हमारी जो झिना एंड ढेला बिजरानी एंड दुर्गा देवी इन रेविल्स में हमारी थ्री स्पीसी दिखती है जैसे एशियाज लार्जेस्ट बिग डियर सांबर स्पॉटेड बाकिंग एंड हॉक डियर्स मेनली रीजन है ढिकाला में वो हॉक डियर हमारे सिर्फ ढिकाला रेंज में ज्यादा पाए जाते हैं बाकी देखिए बर्ड्स के लिए आप कॉबेड आना चाहें तो बर्डिंग करना चाहें तो बर्डिंग के लिए भी कॉबिड हमारे बहुत अच्छा है यहाँ पे ट्वेल्व हंड्रेड स्पीसीज है जिसमें कॉर्बेट में हमारे सिक्स हंड्रेड स्पीसीज दिख जाती है तो इसमें सिक्स हंड्रेड में डिवाइड टाइप की बर्ड्स हैं माइग्रेटिव बर्ड्स आते रहती हैं समर एंड विंटर टाइम पे बर्ड्स माइग्रेट होते रहती हैं बाकी जंगल्स में वाइल्ड कहेंगे चीजें जैसे एलिफेंट्स एलिफेंट्स वन थाउजेंड प्लस में एलिफेंट्स भी हैं लेकिन एलिफेंट्स एक पर्टिकुलर एरियाज में नहीं रुकता है जंगल में खाते पीते जंगल को आगे को माइग्रेट करता रहता है मूवमेंट करता रहता है जंगल्स में बाकी आप जंगल्स में जैसे लेपर्ड्स कहेंगे लेपर्ड्स भी हमारे काफी अच्छे हैं जंगल्स में लेकिन जंगल्स में कम रीजन के वजह से जैसे टाइगर्स का पॉपुलेशन हाइटेट ज्यादा है जंगल्स के अंदर तो लेपर्ड इस एरिया को कम यूजली करता है तो वो ज्यादातर जो हिल एरियाज होंगे बफर्स के आसपास मूवमेंट उनकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है जंगल्स में ठीक है सर बाकी क्या है देखिए जंगल में जैसे वाइल्ड बोर भी हैं भालू बियस भी हमारे जंगल्स में हेबिनेशन में भी रहते हैं कई बियस कई बियर्स कई, कई बार जंगल्स में स्पॉट भी हो जाते हैं जंगल में हमारे बियर्स तो वो दिखते हैं हमारे ढेला एंड झन्ना रेंज के अंदर ज्यादा भालू बियस बाकी आप जंगल में जैसे रेप्टाइल्स कहेंगे डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स भी हैं जैसे कोबरा किंग कोबरा क्रेट पाइथन वाइपर रसर वाइपर हर टाइप का यहाँ पर रेप्टाइल्स भी है पॉइजनस भी है अनपॉइजनस भी है बाकी यानी टाइप्स को उसका ऑप्शन का है तो आप पूछ सकते हैं हमारे रीडर्स पर जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छा गेट कौन सा है जिसमें अच्छा व्यूइंग मिल सकता है टाइगर देखने का सबसे अच्छा बेस्ट अगर अगर आपको जिम कॉर्बेट की फर्स्ट ओपनिंग अगर जिम कॉर्बेट को मेन तरीके से घूमना है तो इसका मेन हार्ड है ढिकाला ढिकाला में आप जब तक नवंबर 15 से जैसी ही ओपनिंग होती है तो आप उसकी साइट में उसको ऑनलाइन बुक कीजिए और उसमें नाइट स्टे का कॉलम आते हैं तो उस कॉलम को आप बुक करने के दौरान उसमें आप एक नाइट स्टे करने जंगल के अंदर स्टे करेंगे उसमें आपको उसमें आपने कैसी नाइट स्टे ली है या वन नाइट है या टू नाइट है तो उसमें टू नाइट में आपको फोर सफारी मिल रही है फोर सफारी इसमें उसमें, उसमें रिवर व्यू बहुत अच्छा है उसका लेक जो है उसका जो कॉबिट का मेन हार्ट है वह ढिकाला हार्ट तो उसमें रामगंगा रिजर्वायर है एलिगेटर कोकोडाइव काफी अच्छे हैं बाकी फिसिस काफी बड़ी बड़ी फिसिस है वहाँ पे और टर्स काफी अच्छे दिख जाते हैं तो उसकी व्यू लोकेशन काफी अच्छी है और टाइगर्स मामले में मूवमेंट काफी अच्छे रहते हैं फिर अगर जैसे ब्रिजिजन नॉर्मल सफारी आपने लेनी है कॉमन मतलब बॉलिंग एंड आफ्टरनून तो उसके लिए ढेला एंड झिन्ना इज द वेरी गुड गेट इस टाइम में स्टे अगर आप ढेला झिन्ना में भी लेना चाहें तो ये गेट भी बहुत लकी है इन गेट के अंदर भी टाइगर्स बहुत अच्छे स्पॉट हो रहे हैं सर, जंगल के अंदर ओके और हाथियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं एलिफेंट्स इस टाइम पे ज्यादातर मूवमेंट हर एरिया में मूवमेंट है एलिफेंट्स के लेकिन एलिफेंट्स मॉर्निंग टाइम्स में जितने भी उनके हैबिटेशन थे वो जंगल के अंदर डीपली फॉरेस्ट के अंदर जाना शुरू हो गए क्योंकि जंगल्स में हाथियों के ग्रुप्स भी अलग अलग हैं किसी मदर्स के साथ फीमेल्स के साथ कम से कम दस का ग्रुप है किसी के साथ सिक्स का ग्रुप है किसी के साथ फाइव का ग्रुप है तो डिवाइड डिवाइड टाइप के एलिफेंट्स के ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स में चल रहे हैं फैमिली लेके तो अगर जैसे कोई टूरिस्ट आना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम जिम कॉर्बेट घूमने का पंद्रह नवम्बर से अप्रैल तक हम गिन सकते हैं हाँ अप्रैल तक आप गिन सकते हैं मई तक मई तक ओके। और ये वाला ढिकाला वाला जो है, जो है जोन वो कब बंद होता है ढिकाला सर हमारा जून में बंद हो जाता है ये ओके और कुछ आप बताना चाहेंगे सेफ्टी वाइज जो भी टूरिस्ट आए तो वो क्या सेफ्टी के सेफ्टी, सेफ्टी के लिए सर जंगल में देखिए सबसे पहले कोई भी अगर आपके साथ गाइड हो या एज अ गाइड अगर नहीं अवेलेबल हो तो ड्राइवर्स अगर आपको जो रूल्स बताए उस रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको जंगल उतना ही वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा और जंगल में आपकी वही सेफ्टी है आप गाड़ी में हैं तब तक सेफ है अगर आप गाड़ी से कहीं नीचे उतरते हैं तो अनसेफ है इसलिए गाड़ी में बैठे ही रहना है गाड़ी के अंदर रहना है गाड़ी ही आपको सेव करेगी सर जितनी वाइल्ड आप जंगल में देखना चाहें वो आपको दिखाई जाएगी जो दिखनी होगी जंगल के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें जानवर ने अटैक किया हो किसी गाड़ी के ऊपर उसके बारे में बताना चाहेंगे सर ऐसा कुछ नहीं ज्यादातर जो ज्यादातर अटैकफुल हुए हैं वो हुए हैं एलिफेंट्स के क्योंकि एलिफेंट्स ज्यादातर जो रहता है एग्रेसिव मूड में रहता है कई बार गाड़ी का मूवमेंट के पीछे भागना दौड़ना ज्यादा कर देता है गाड़ी के ऊपर चर्च कर देता है तो गाड़ी को बैक करना होता है या फिर फॉरवर्ड या स्टेट हमें दौड़ाने पड़ती है गाड़ी तो ये चांसेस एलिफेंट के साथ होते हैं टाइगर्स के साथ कम चांसेस होते हैं तो ये एलिफेंट वाला इंसिडेंट जिम कॉर्बेट में कब हुआ कि उसने गाड़ी को तोड़ा वो तो सर दो का है हमारा वो झिरना रेंज में हुआ था आफ्टरनून सफारी का टाइमिंग था वो शाम की सफारी का थैंक यू जोशी जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम इस समय ढेला जोन में हैं और आप व्यू देख सकते हैं कि पूरे चारों तरफ पहाड़ी है और हमारे दाहिनी तरफ सेवाना ग्रास है जो कि ऑलमोस्ट हाथी के साइज का हो जाता है ये आप एक ओपन व्यू देख रहे हैं और ठीक इसके पीछे एक सूखा नाला भी है जो बारिश के टाइम में भर जाता है और जब गर्मी में पानी की कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ वाटर रेजरव बना रखे हैं जिसके अंदर पानी को भर दिया जाता है साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम थैंक यू